मित्रों यहाँ पे बजाज एमआई कार्ड 55,000 लिमिट के साथ अप्रूव हो गया। काफी लोग बोलते हैं मैं अप्लाई कर रहा हूँ अप्रूव नहीं हो रहा है। चलिए बताते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों सिविल स्कोर के दम पे हमारे व्यूअर्स की वाइफ थी, इन्होंने अपने रिकॉर्ड को मेंटेनेंस किया, मेरा वीडियो देखा, फॉलो किया हर चीजों को, और इनको जो है बजाज एमआई कार्ड मिल गया 55,000 रुपए की लिमिट, वो भी सिविल स्कोर के दम पे। यहाँ पे काफी लोग का शिकायत ये आता है कि मैं कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे एमआई कार्ड हो, वो डिक्लाइन हो जा रहा है, नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे सवाल आता है बजाज एमआई कार्ड का, मैं बजाज एमआई कार्ड प्रोसेस कर रहा हूँ, प्रोसेस नहीं हो रहा है, टेक्निकल एरर आ रहा है। तो अब ये चीजें खत्म हो चुकी है, अब आप लोगों को टेक्निकल एरर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे बजाज एमआई कार्ड अब आपको अप्लाई करने पर मिलेगा 100% मिलेगा, बट आपका रिकॉर्ड, आपका सारा इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट होना चाहिए, आपको जरूर मिलेगा। मित्रों मैं बता दूं, बजाज एमआई कार्ड जो है एक क्रेडिट कार्ड को डायरेक्ट कर देता है। जो पर्सन ज़्यादा शॉपिंग करने पसंद करते हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे या और भी साइटें कुछ है जहाँ पे लिस्टेड है, उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। मित्रों बजाज एमआई कार्ड में खास बात आपको पता ही होगा कि अगर आपको बजाज एमआई कार्ड मिल गया तो आप अगर कोई सामान ईएमआई पे लेते हैं तो आपको 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक के लिए आपको ईएमआई करने का ऑप्शन नो कॉस्ट पे, और सभी प्रोडक्ट पे तो नहीं मिलता है बट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट के मिल जाता है। पैसा आपके अकाउंट से 2 तारीख को डेबिट होगा। तो यार मित्रों अगर आपको बजाज एमआई कार्ड चाहिए तो मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताना चाहूँगा। पहला बात है आपको अपना सिविल रिकॉर्ड को अच्छा बना के रखना है। दूसरा बात है किसी बैंक या कंपनी का पैसा आपको खाना नहीं है, टाइम से पेमेंट करना है। तीसरी बात है आपको लोन की ज़रूरत है तभी लोन लीजिए, लोन की ज़रूरत नहीं है तो लोन मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड पर डिक्लाइन हो गया है तो वेट करिए, गैप कीजिए, बार बार इंक्वायरी ऐड ना होने पाए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा और आपका फायदा होगा, आपको कार्ड मिलेगा। या भी लोग कार्ड बनवा लेते हैं, बोलते मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, गलती खुद करते हो, तो आपको गलती नहीं करनी है। साथ में बजाज एमआई कार्ड जो है आपको कुछ ऐसे बड़े सिटियों में मतलब कि कपड़े तक भी देते हैं ये लोग एमआई के रूप में, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो बजाज एमआई कार्ड काफ़ी अपने आप में यूनिक है और आज से नहीं काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, जो डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड को टक्कर देता है। फर्क कितना है, इसका पैसा बैंक पे नहीं ले सकते हो, बाकी शॉपिंग करने के मामले इसके मुकाबले कोई नहीं है। और बजाज एमआई कार्ड बनाने के 2 तरीके और हैं। पहला तरीका, आप बजाज के नियर स्टोर कोई पार्टनर है वहाँ पे आके कोई फोन फाइनेंस करवा लो, कोई सामान ले लो इलेक्ट्रॉनिक, फाइनेंस करवाने के बाद ऑटोमेटिक जो है आपका एमआई कार्ड बन जाएगा, वो आपका एमआई कार्ड वहीं पर अप्लाई कर देंगे और आपका हो भी जाएगा। इस तरीके से आपको मिलेगा एमआई कार्ड और आप अप्लाई करके ऑनलाइन भी ले सकते हो बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का। तो ये मैं आपको शेयर कर दिया, बता दिया, आप बताना कि आपको कैसे मिला था, कितनी सिविल थी, सिविल स्कोर कम से ना कम 760-770 होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दिया और धन्यवाद कि इन्होंने मेरी बातों का फॉलोअप किया और इनकी वाइफ को बजाज एमआई कार्ड मिल गया और एक दिन क्रेडिट कार्ड ही मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। सिविल अच्छा बना के रखो। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।